हटा में पर्यावरण और प्रकृति से खास स्नेह रखने वाली सपना अग्रवाल द्वारा इस बार गणेश उत्सव पर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं स्थापित कराने के लिए खास तरह का नवाचार शुरू किया गया है, जिसके तहत हटा शहर के बच्चों को एक कार्यशाला के माध्यम से मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में प्रतिदिन कई बच्चे शामिल होकर आकर्षक गणेश प्रतिमाओं को बनाना सीखते हैं और मूर्ति तैयार होने पर अपने घर ले जाते हैं। गणेश प्रतिमाओं से शुद्ध मिट्टी के अलावा बिना केमिकल वाले कृत्रिम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, मिट्टी में कुछ खास तरह के बीजों का भी मिश्रण किया गया है जो बाद में पौधों का रूप ले सकेंगे। कार्यशाला में शामिल होने वाले बच्चे बड़े ही उत्साह से इसमें भाग लेते हैं और आकर्षक मूर्तियां बनाना सीख रहे हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सहेजना है, ताकि बाजार में आने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का उपयोग कम से कम हो सके और शहर की जीवनदायिनी सुनार नदी प्रदूषण मुक्त रह सके। हम लोग गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं, पर जो बाजार में मूर्ति आती है वो प्रदूषण ज्यादा करती है, तो हम लोग मिट्टी से घर में गणेश जी की मूर्तियाँ बना रहे हैं और उसी में स्थापित करें। हम ये गणेश जी की प्रतिमाएं बना रहे हैं और हमने इसे मिट्टी से बनाया जिसके अंदर हमने बीज डाला है, और ये बीज हमने इसलिए डाले ताकि पर्यावरण का ख्याल रखा जा सके। गणेश जी की मूर्ति का निर्माण का प्रशिक्षण हम इसे दिश से दे रहे हैं कि जो बाजार में पीओपी की प्रतिमाएं मिलती हैं, जब उनको विसर्जन किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं जल प्रदूषित करती हैं। उनमें जो कलर होते हैं, पीओपी होती है, तो वो बहुत समय तक जल में है ना प्रदूषण फैलाती रहती हैं। और जो घर पे बनी हुई या कहीं पे भी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं वो आसानी से है ना जल में विसर्जन करने के बाद घुल जाती हैं। मैं घर में जो मूर्तियाँ बनाना सिखा रही हूँ बच्चों को, वो अपने खेत की ही मिट्टी की हैं और उस पर मैंने कुछ बीज भी डलवाए हुए हैं। जब ये बच्चे बना रहे हैं अपने से, तो इसको वो बनाएंगे, उनको घर में है ना 10 दिन पूजन में स्थापना करेंगे उसकी, और फिर उसका विसर्जन करेंगे। जब विसर्जन करेंगे तो वो बीज जब अंकुरित होंगे तो बच्चों के अंदर सृजन और निर्माण की एक है ना कला विकसित होगी कि ये जो मैंने खुद ही बनाया हुआ है, खुद ही जो इसको नए रूप में अंकुरित हुआ है, तो ये बच्चों में बहुत अच्छा उद्देश्य ले जाएंगे। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए हटा से रविकांत बिदौलिया की रिपोर्ट।